हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आपके अपने YouTube चैनल मान स्ट्रीट पे। आज वापस मैं एक विला लेके आया हूँ, या एक सोसाइटी लेके आया हूँ विला की, जो कि है राजयोग विस्तारिया। जी हाँ, हमारी ही सोसाइटी है जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टेड करके दे रहे हैं। 90-90 गज की ये विला है, जो कि 1900 स्क्वायर फीट के आसपास आपको इसका स्पेस मिलेगा। डुप्लेक्स विला है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ में, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डेफिनेटली गारंटीड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ में, कि आप अगर आके देखेंगे तो आप भी बिल्कुल खुश हो जाएंगे। बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन इसकी जो पड़ती है, वो पड़ती है आपका सेक्टर 1 की जस्ट अपोजिट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, KP5 में, नॉलेज पार्क 5 में आपका ये है। डिस्टेंस जो पड़ता है वो पड़ता है तकरीबन 50-60 मीटर का डिस्टेंस। अब बात करते हैं बैंक लोन फैसिलिटीज की। बैंक लोन फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका 80% बैंक लोन फैसिलिटी। और बैंक, मल्टीपल बैंक ऑप्शन अवेलेबल है, वो डिपेंड्स ऑन आपकी प्रोफाइल क्या होगी। और बात करते हैं स्कूल, अगर आपके बच्चे हो स्कूल, तो KP5 का मतलब, नॉलेज पार्क 5 का मतलब, यहाँ स्कूल ऑलरेडी बहुत सारे होंगे। DPS यहाँ है, एस्टर यहाँ है, आपका जीडी गोइंगा यहाँ है, आपका VGS विजय नतम यहाँ है, सेंट फ्रांसिस, मिलेनियम, आपका बहुत सारे स्कूल है, मैं नाम भी क्या गिनाऊँ। आफ्टर दैट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ हॉस्पिटल्स की, तो डेफिनेटली हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे आपका यथार्थ है, न्यू मेड हॉस्पिटल है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। बात करता हूँ शॉपिंग हब की, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से एक मूर्ति और चार मूर्ति का डिस्टेंस ही, मैं चार मूर्ति का डिस्टेंस ही मात्र 3 किलोमीटर का है। तो यानी कि मॉल शोरूम भी बहुत सारे अवेलेबल है, यानी कि एक बंदे को जो रहने के लिए चाहिए होता है वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। ये आपका इस जो सोसाइटी में, सोसाइटी में आपका ड्रेनेज, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी सारी ऑलरेडी सारी चीज़ें आ चुकी है। प्राइस क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि डिपेंड ऑन कि आप इस वीडियो कब देख रहे हैं, उस टाइम पे प्राइस क्या है सोसाइटी का, विला का, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो सकता है। इसलिए आप जो प्राइस के लिए नीचे आपको उसमें चेक कीजिएगा। बाकी लोन वोन सारी फैसिलिटीज है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, क्या क्या लोन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारा सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए चलते हैं एक बार विला को अंदर से देखते हैं। चलिए, अब ये पार्किंग है, पार्किंग जो है आपका 12x8.5 का पार्किंग है, जिसमें आपके सेडान और आपका कोई भी बड़ी गाड़ी इजिली खड़ी हो सकती है। मार्बल का यहाँ वर्क हुआ है, अंदर सारा पूरा टाइलिंग का है, तो यहाँ पूरा का पूरा वर्क जो है मार्बल वर्क हुआ है। व्हाट अ परफेक्ट टाइमिंग। आइए अब हम आपको ये जो विला है अंदर से दिखा देते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। हमारी गेट से एंट्री होती है हमारे लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया में, और ये जो है लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया का स्पेस 21x11 का है, 21x11 का। एज यू कैन सी, अगर आप देखते हैं तो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो वॉल है, इस वॉल की अगर मैं बात करूं, तो ये बहुत प्रीमियम फील, बहुत प्रीमियम वॉलपेपर के साथ में डेकोरेटेड है। अगर आप इसे टच करेंगे तो ये 3D लुक, बहुत प्रीमियम लुक, और मतलब बहुत प्रीमियम टच के साथ में ये बहुत अच्छा फील देता है। बात करते हैं फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग देखिए कितनी प्यारी फॉल सीलिंग है, वुडन वॉक के साथ में, अच्छी खासी फॉग सीलिंग लाइट या कॉब लाइट का इसमें यूज आपका डिजाइन दिया गया है, और आप चाहे तो इसमें एम्बिएंट लाइट का भी ऑप्शन रख सकते हैं। अभी तक अगर मैं बात करता हूँ, इसलिए साथ में आपके किसमें वॉशरूम भी है, अगर आपके गेस्ट आते हैं तो बाहर से बाहर ही आपका वॉशरूम जा सकते हैं, किसी रूम या किसी पर्टिकुलर्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए चलते हैं किचन में। अगर किचन में राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं तो बहुत प्यारा एक ये डिज़ाइन दिया गया है, और डिज़ाइन के साथ साथ में अगर देखते हैं तो फुली मॉड्यूलर ये किचन आपको प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको प्रॉपर चिमली विमली सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो फॉल सीलिंग, यहाँ पर भी फॉल सीलिंग का वर्क हुआ है। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ का आपके लगेज स्पेस, या फिर आपका जो है स्पेस की, जो इसमें स्पेस दिया गया है। फिनिशिंग की बात करते हैं तो बहुत प्यारी फिनिशिंग है, और ये अगर आप देखते हैं तो बहुत प्यारी फिनिशिंग के साथ में आपको किचन मिलेगी, और काफी स्पेसियस किचन है। किचन का जो स्पेस होगा आपका, स्पेस इसका 9x7 का है, जिसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर स्पेस भी दिया गया हुआ है, आप अपना यहाँ रेफ्रिजरेटर भी लग सकते हैं। और आपके से देखिए फिनिशिंग कितनी प्यारी फिनिशिंग है। अब बात करते हैं हमारे पहले बेडरूम की, जो कि आपका गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, या जैसे चाहे इसे यूज कर सकते हैं। चलिए, रूम में एंट्री होते के साथ ही अगर मैं बात करते हैं तो जो रूम है, ये रूम आपका 12x10 का है, 12x10 के इस साइज के साथ में बात करता हूँ, तो इसमें आपका मॉड्यूलर, आपका अलमीराज दी गई है, आपका लगेज स्पेस दिया गया है। और लगेज स्पेस के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो इसके देखिए फॉल सीलिंग देखिए कितनी प्यारी फॉल सीलिंग है, यहाँ भी आपका वुडन और फॉल सीलिंग के साथ में वुडन का स्टाइल, और फिर उसका कॉब लाइटिंग का पूरा इफेक्ट, और सारा कॉब प्यारी सी, बहुत प्यारे लुक के साथ में फॉल सीलिंग, बहुत प्यारी फॉल सीलिंग है। अब बात करता हूँ वॉलपेपर की, तो वॉलपेपर बहुत प्यारे फिनिशिंग के साथ में 3D वॉलपेपर ये है। और अगर मैं बात करता हूँ, अभी टच करेंगे तो इसमें कहीं आपको एक बिम्प या बम्प नहीं मिलेगा किसी में, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ में वॉलपेपर, बहुत प्यारा इस पूरे के पूरे वॉल को और फॉल सीलिंग को, इस वॉलपेपर को एकदम बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता है और बहुत प्यारा लुक दे रहा है। अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ। इसी से अटैच वॉशरूम, एक और वॉशरूम है जो कि वॉश एरिया होते हुए, और हमारा ये वॉशरूम आपको दिख जाएगा। इस वॉशरूम का स्पेस जो है आपका 5x7 का है, 5x7 के साथ में आपका यहाँ पर
ये आपका कंबाइंड वॉशरूम है इस फर्स्ट बेडरूम से। अब चलिए चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आते के साथ मैं बात करता हूँ तो हमारा आपकी एंट्री होती है सिटिंग स्पेस में, जो कि सिटिंग स्पेस आपका जो है 11x14 के आसपास का है। 11x14 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी बहुत प्यारी फॉल सीलिंग का वर्क हुआ है, बहुत प्यारी फॉल सीलिंग के साथ में। अगर सामने वाली दीवार है तो ये भी एक बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ में ही आपका जो है बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। अब चलते चलते हम लोग एक सेकेंड बेडरूम की तरफ, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर आपका सेकेंड बेडरूम रहेगा। एंट्री होती है हमारी इस बेडरूम में, यहाँ भी वॉलपेपर का बहुत प्यारा वर्क दिख रहा है। अगर आप देखते हैं तो ये भी आपका 3D वॉलपेपर है और 3D वॉलपेपर में बिल्कुल प्रीमियम के साथ में जो इसकी पेस्टिंग की गई है वो बहुत ही ध्यान में रखते हुए की गई है। इसकी पेस्टिंग में आपको कहीं भी एक बिप तक नहीं महसूस होगा और फॉल सीलिंग भी इसका हर वॉलपेपर को उसके रूम के कलर और वॉलपेपर के डिज़ाइन और उसकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन पर ध्यान में रखते किया गया है। यहाँ भी देखिए कितना प्यारा है फॉल सीलिंग का डिज़ाइन लग रहा है। अब बात करते हैं हम लोग इसके बेडरूम, इस बेडरूम के वॉशरूम की। आइए, ये भी वॉशरूम से होते हुए वॉश एरिया से होते हुए आपका राइट हैंड साइड में अगर आए देखते हैं तो ये भी आपका बेड वॉशरूम है। अब चलते हैं हम इस फर्स्ट फ्लोर पे इस विला के मास्टर बेडरूम पे। मास्टर बेडरूम में हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करते के साथ में अगर सामने की तरफ देखते हैं तो सामने बिल्कुल फिर से ही बहुत प्यारे वॉलपेपर का वर्क हुआ है और इसमें भी आपका, लेकिन यहाँ जो डिज़ाइन है फॉल सीलिंग का वो थोड़ा सा डिफर है। यहाँ वॉल सीलिंग प्लस माइनस का वर्क हुआ है और यहाँ अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं यहाँ भी ये देखते हैं तो यहाँ भी आपका लगेज स्पेस जो कि नीचे से काफ़ी बड़ा स्पेस है और आपको इसमें दिया गया ये अलमीरा दी गई हुई है। इसी के साथ साथ में अगर बात करता हूँ तो इस रूम का, आप अगर मैं बात करता हूँ इस रूम का जो वॉशरूम है वो पूरे विला में सबसे बड़ा वॉशरूम है। इस वॉशरूम का जो साइज है वो आपका 8x9 का साइज है, जितना किचन का साइज है। ये वॉशरूम बहुत बड़ा है। और अब बात करते हैं इस मास्टर बेडरूम का, जो सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट प्लेस है वो प्लेस है आपकी, ये मेरी पर्सनल फेवरेट प्लेस है, पर्सनल फ्लेट प्लेस अगर हमारी एंट्री होती है ग्रैंड बालकनी में। जी हाँ, यहाँ सिटिंग स्पेस के साथ साथ में जो पूरी बालकनी है वो बहुत स्पेशियस बालकनी है। स्पेशियस बालकनी की बात करता हूँ तो बहुत प्यारा लुक भी है आपको विला को तो देता ही है, आपको प्यारा व्यू भी सामने मिलेगा और उसके साथ में आपका स्पेस इतना ज़्यादा है इस बालकनी का कि क्या ही बात, क्या ही कहने। एंट्री होती है इस विला के टेरिस पे। ये टेरिस आपको जो है इसका जो है 20.6x40 का इसका पूरा डेप्थ, मतलब वाइड एंड डेप्थ है। तो ये पूरे विला की जो टेरिस है आपकी, ये आपकी पूरी तरह से आपकी होगी। इन फ्यूचर चाहे तो इसमें 2 मंजिल और बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको विला भी पसंद आए और इसी टाइप से आप चाहते हैं कि आपको वीडियो अप टू टाइम अपडेट होती रहे और आपको अब वीडियोज़ मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरा नाम अमित, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड स्ट्रीट पर। धन्यवाद।